जापान में रह रहे बिहारी प्रवासियों के लिए 19 दिसंबर का दिन बेहद अहम रहा। प्रवासी बिहारियों ने जापान स्थित भारतीय दूतावास के विवेकानंद कल्चरल सेंटर सभागार में आयोजित कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग बिहार ने भागीदारी की। यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास व जापान की बिहार झारखंड एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया था। जापान में भारत के राजदूत श्री सीबी जॉर्ज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। बिहार फाउंडेशन जापान चैप्टर के अध्यक्ष आनंद विजय ने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भारत के राजदूत श्री जॉर्ज ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बिहार असाधारण प्रतिभाओं की भूमि रही है। उन्होंने बिहार और झारखंड एसोसिएशन को जापान में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में किए गए योगदान सराहना की। वहीं आनंद विजय सिंह ने अपने संबोधन में बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताया। उन्होंने अमराज कर्ण, चंद्रगुप्त अशोक, आर्यभट्ट, कौटिल्य, शेर शाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी भूमिकाओं का उल्लेख किया। वहीं श्री अभिषेक पल्लव ने बिहार के इंडस्ट्री पॉलिसी और सुश्री अपराजिता प्रभा ने बिहार पर्यटन में अपार संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। आयोजन के सफल संचालन में प्रीतम प्रीतु, विवेक कुमार, दिलीप सिन्हा, मुकेश गुप्त, मनहर मुकुल, सोनल सिंह, रविन्द्र यादव, उत्सव सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Can we have the music, please, Rajesh? भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व भी बिहार पुत्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया और उस संघर्ष में जनमानस को प्रेरणा देने वाले शब्द सिंहासन खाली करो कि जनता आती है भी बिहार के बेटे और अश्मि रथी के रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ही कलम की देन है। समय की मांग है कि हम सब बिहार के गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लें और स्वर्णिम भविष्य के लिए एकजुट होकर संकल्पित होकर काम करें। कहते हैं कि अगर एक बिहारी ठान ले तो दशरथ मांझी की तरह अकेले ही पहाड़ का सीना चीरने की शक्ति रखता है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो क्या कुछ संभव नहीं है। बिहार फाउंडेशन का उद्देश्य बिहार और बिहारियों को इसी स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। जिस राष्ट्र और प्रांत की पावन मिट्टी में जन्म लिया उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना प्रत्येक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। आइए ये संकल्प लें कि हम अपनी मिट्टी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम सब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। जय बिहार, जय भारत। महामहिम